प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका सेकेंड लेसन द नेल्सन मंडेला। और उसके हमने 5 प्रश्न आपको एक पहला वीडियो बनाया था उसमें दे दिए थे, और अब बचे हुए 5 प्रश्न इस वीडियो में। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका यूपी बोर्ड का पेपर आएगा तो वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आएगा। आप अपनी किताब के प्रश्नों की तैयारी करिए और उन्हीं में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, अर्थात आपकी किताब के अनुसार या आपके पाठ के अनुसार आपका प्रश्न है नंबर 6, लेकिन इस वीडियो के अनुसार आपका प्रश्न है नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर ट्यून ऑबिलाइजेशंस रेफर्ड टू बाई नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला ने कौन से 2 दायित्वों के बारे में बताया है? नेल्सन मंडेला ने आदमी के 2 कौन से दायित्व होते हैं, इनके बारे में क्या बताया है? तो आपको उत्तर में लिखना है, नेल्सन मंडेला रेफर्ड दैट इच पर्सन हैज ट्विन ऑबिलाइजेशंस। नेल्सन मंडेला ने ये उल्लेख किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में दोहरे कर्तव्य रखता है, अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं, 2 दायित्व होते हैं। द फर्स्ट बींग टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रेन। जो पहला दायित्व उनका होता है किसी भी व्यक्ति का, वो अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। एंड द सेकेंड बींग टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और जो दूसरा दायित्व होता है वो अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉगरेशन सेरेमनी? उद्घाटन समारोह में विचित्र क्या था? उत्तर आपको लिखना है, इन द इनॉगरेशन सेरेमनी इट वाज यूनिक दैट इट वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उद्घाटन समारोह में विचित्र तो ये था कि बहुत लंबे समय के बाद दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का जो जमावड़ा हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय नेता वहाँ एकत्र हुए थे, ये एक विचित्र बात थी। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 और आपके पाठ का लेसन नंबर 8, डिस्क्राइब द इनॉगरेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन करिए। तो आइए देखते हैं कैसे वर्णन करना है। हमें लिखना है, द ओपनिंग सेरेमनी टुक प्लेस अ थिएटर इन पिटोरिया सैंडस्टोन बिल्ड यूनियन बिल्डिंग्स। उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया के सैंडस्टोन से बने यूनियन बिल्डिंग के एक रंग महल में हुआ। इट वॉज इन द पजेशन ऑफ व्हाइट्स फॉर सेवरल डिकेड्स। कई दशकों से यह श्वेत लोगों के कब्जे में था, अधिकार में था। पजेशन मीन्स होता है अधिकार, ऑफ व्हाइट्स माने श्वेत लोगों के, फॉर सेवरल डिकेड्स माने होता है कई दशकों से। बट विद द अराइवल ऑफ पॉलिटिशियन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑन द डे ऑफ द सेरेमनी इट वॉज नाउ अ रेनबो मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। लेकिन समारोह के दिन अलग अलग देशों से जो राजनेता आए थे उनकी वजह से ये अब बिल्कुल इंद्रधनुषी हो गया था, अर्थात विभिन्न कलरों वाला हो गया था, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे या राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, इस तरह से बड़े बड़े नेता लोग वहाँ एकत्र हुए थे, तो इस वजह से वो एक इंद्रधनुषी कलर का हो गया था वो समारोह। द सेरेमनी मार्क्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक कास्ट लेजर गवर्नमेंट। इस समारोह में दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जात विहीन सरकार की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं, व्हाट डिड द जनरल एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन द डे? उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया?
आंसर लिखना है आपको, ऑन दैट डे द जर्नल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स सलूटेड मिस्टर मंडेला एंड प्लेडेड दियर लॉयल्टी। उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने मंडेला जी को सलामी दी और अपनी वफादारी का वचन दिया। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? तो उत्तर आपको लिखना है, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचार के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज द पीपल ऑफ दैट कंट्री। मंडेला के अनुसार उस देश की जो जनता होती है या प्रजा होती है वही सबसे बड़ा धन होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा।